अपनी गेम उठा जा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वी आर बैक विद तमाशा सीजन 3। जी हाँ, आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला है और हमारा वादा है कि हर दफ़ा तमाशा बड़े से बड़ा होता जाएगा। तमाशा सीजन 3 की जो थीम है, कीप पाकिस्तान ग्रीन, आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, होती जा रही नहीं है बल्कि हो चुकी है। जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ मज़ीद गर्मी पड़ती जा रही है, जहाँ ठंड है वहाँ मज़ीद ठंड होती जा रही है। तो 14 अगस्त यानी इस महीने 14 अगस्त झंडे के साथ हम वादा करते हैं कि अपने घरों में एक दरख्त भी लगाएंगे। ये वादा रहा आपसे, तो आइए घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज घर कैसा है, यानी सीजन 3 का घर कैसा है। वाओ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि घर में हरियाली आपको हर तरफ नजर आएगी, अंदर बाहर। अरे ये तो आमने सामने कमरे हैं, तो आइए देखते हैं ये बॉयज़ का कमरा है, ये गर्ल्स का, देखते हैं कैसा कमरा है इस दफ़ा। जी हाँ, ज़बरदस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 का मतलब इस बार तमाशा बड़ा है, 14 कंटेस्टेंट्स नहीं है बल्कि 18 हैं। है बड़ा है, 18 है, वाह वाह, ये तो राइम कर रहा है। आइए उस तरफ चलते हैं, तो यकीनन वहां 9 लड़के होने चाहिए। आइए, बिल्कुल यहां भी 9 लड़के हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। यहां लोग बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं तो मसाइल भी बढ़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं तो तमाशा भी बड़ा लगेगा। हम चाहते हैं कि तमाशा जब बड़ा हो, यहाँ जहाँ इतनी ये मेहनत कर रहे हैं, जहन की नशोनुमा होती है तो जिस्म की भी होनी चाहिए। उसके लिए हमने ये बाकायदा एक हेल्थ क्लब खोला है, ज़बरदस्त। एक बात बताता चलूँ आपको, हर दफ़ा जब हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं कहते हैं भाई हेल्थ क्लब है ना अंदर, कुछ एक्सरसाइज का सामान तो है ना, हर कोई पूछता है मगर करता कोई नहीं, इक्का दुक्का के अलावा। इस दफ़ा देखते हैं कि ये लोग वाकई सीरियस है एक्सरसाइज के लिए कि नहीं। एक कमरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो कमरा है ये, ये है मेरा कन्फेशन रूम, अंदर चले। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इस कमरे में मैं लोगों को बुलाऊंगा, उनकी दिल की बातें सुनूंगा, अपनी दिल की बातें कहूंगा और वो उनकी दिल की बातें कहीं और शेयर नहीं होंगी। जी हाँ, मेरा मतलब है बाहर वालों से, आपको तो सभी पता है। ज़बरदस्त, क्या लग रहा हूँ मैं, वाह 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 वाह। एक कमरा इस घर में ऐसा है जहाँ जाएं तो आपको पता है वो उस कमरे में होता है क्या है। जी, ये है हमारा किचन, यहाँ से सारे मसाइल शुरू होते हैं। पेट पूजा सबके लिए बहुत ज़रूरी है मगर साथ ही साथ कुछ डिसिप्लिन भी होना चाहिए ना, खाने का वक्त कब है, सोना कब है, जागना कब है। अगर यहाँ खाना पक रहा है तो ये इसी तरीके से साफ़ रहना चाहिए, अगर वहाँ बर्तन धुल रहे हैं तो इसी तरीके से साफ़ रहना चाहिए। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जब यहाँ बर्तन धुलते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि अब ये सारा किचन साफ हो गया है, वाई नॉट वी शुड गो एंड पैम्पर आवरसेल्फ। तो उसके लिए हमने एक जगह बनाई हुई है, वो है, आइए, द कॉमन मेकअप रूम। वाह, कैसा लगा आपको, अच्छा है ना। ये कॉमन मेकअप रूम है, यहाँ आप लोग आके तैयार हुएं, अच्छे लगें खुद को भी और हमारे देखने वालों को भी। हमने इस दफ़ा क्या किया है कि अलग अलग वार्डरोब कर दिए हैं। अलग अलग वार्डरोब का मतलब है ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है।
पिछली दफा क्या हुआ था कि बड़े झगड़े हो रहे थे वार्डरोब में, कोई कपड़े उधर से फेंक रहा था, कोई बता नहीं रहा था ये हो क्या रहा है, हमें भी नहीं पता लग रहा था क्योंकि उधर ना माइक था ना कोई कैमरा था। मगर इस दफा हमारी आंख हर तरफ है, सिवाय जो प्राइवेट एरियाज है जहां आप कपड़े बदलेंगे, ऑफ कोर्स बाथरूम, मगर इस दफा हमारे वार्डरोब के अंदर कैमरेज लगे हुए हैं, तो आपकी एक एक हरकत हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। आइए आपको मैं अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। जी जी, वो इधर ही होंगे और हमेशा रहेंगे इधर। ये हमारी गोलमेज, यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, खाना होगा। और ये हैं चीकू भाई। अस्सलाम वालेकुम चीकू भाई, कैसे हैं आप? अब इनकी मज़े वाली बात क्या है कि यहाँ मैं जाऊँगा तो ये यहाँ जाएंगे, यहाँ मैं जाऊँगा तो ये यहाँ आएंगे। मगर मैं आपको दिखा दूँ कि ये 18 लोग जब यहाँ साथ बैठेंगे तो मज़े की बातें भी होंगी, कुछ खाने पे मज़ाकरात भी होगा, मगर हम नहीं चाहेंगे ऐसी कोई बात हो। पूरा घूम सकता है मगर मैं यहीं तक रुक गया हूँ। आइए आपको हम अपने थीम की तरफ ले चलते हैं, दैट इज जंगल एरिया। और ये है हमारा जंगल एरिया यानी जंगल जोन। यहाँ हम खेलेंगे, टास्क होंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा, यहाँ लगेगा जंगल में मंगल। और ओ यस, तो आप गिरेंगे तो हमने आपका सेफ्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये बड़ा कुशन्ड एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा कुशन्ड है, तो सेफ्टी का भरपूर इंतज़ाम है। एक और जगह आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये जो है हमारा सिटिंग एरिया है। आप देख रहे होंगे अगर ये बाहर जंगल एरिया है तो सिंबॉलिक दरख्त हमने घर के अंदर भी लगाया है, इसकी शाखें चारों तरफ हैं, यानी हम पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई दरख्त लगाओ, चारों तरफ दरख्त दरख्त होंगे, छांव होगी, मज़ा आएगा। अच्छा है ना? और अब मैं उस एरिया में आपको लेकर आ रहा हूँ जहाँ लगेगा बादशाह सलामत का दरबार। यहाँ मेरी रियाया बैठेगी और यहाँ बादशाह सलामत का दरबार लगेगा, यानी मेरे घर वाले यहाँ बैठेंगे और मैं यानी बादशाह सलामत इस कुर्सी पे बैठ के उनसे गुफ्तगू करेंगे। मज़ेदार बातें होंगी, उनकी कुछ बातें सुनूंगा, कुछ मैं सुनाऊंगा, कुछ यहीं से मैं उनको टास्क दिया करूँगा, और कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिसकी वजह से मुझे उनको खुदाफिज़ कहना पड़ेगा। तो ये वही जगह है। सो दोस्तों, बड़ी क्यूरियोसिटी रही है, आप लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि इस दफ़ा कौन आ रहा है, कितने लोग होंगे, क्या करते हैं वो, किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बस अब वो वक्त आ गया है, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके मैं लोगों को यहाँ अंदर भेजता रहूँगा। बस मेरे जाने की देर है और उनके अंदर आने की देर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पेंटीन तमाशा सीज़न 3, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, तमाशा सीजन 3। जंगल थी, मैं जंगल थी, जंगल में मंगल, बस जंगल में टार्जन की वापसी। ओह वेरी गुड यार, चलो साहब झूला लगा दिया आपके लिए, कह रही थी ना झूला चाहिए। हाँ बैठना, मैं आपको दूंगी झूला। ओह वाओ वाओ वाओ,
ओके क्या बात है। अच्छा रूल्स पहले हो गए इस बार। ओके ये लड़कों का होगा। ठीक है ठीक है ये लड़कियों का। दस यार फुल पैलेस वाली फील आ रही है। लूंगी बस ये कोने वाला चाहिए मुझे बेड। आसपास एनर्जीज नहीं चाहिए। क्या 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 हेलो बॉस अंदर डॉक्टर नहीं है हम आपका इलाज नहीं करवा सकते। यार क्या क्योंकि मसला हुआ है कि आपको जिंदगी में कभी गए हो क्या हॉस्पिटल? ऐसे क्यों बोलते रहते हो हर वक्त के पागल खाने यार चलिए बता दूंगा। मतलब मुझे लगता है ये बड़ा अरसा गुजरा है आपका के पास। मेरे घर में आके अच्छी बातें करो। आप बहुत अच्छी हैं मां जी आप बहुत अच्छी हैं सही है तो सिर्फ थोड़े थोड़े। वाह यार वाह बहुत अच्छा कर रहे हो यार। प्लेटें देख के भूख लग गई है। टीम तमाशा क्या ही जबरदस्त घर यार वेरी गुड। ओके इस बार सेटिंग लाउंज ये है। यार बहुत मजे का है ना। कुर्सी किचन भी जरा किचन भी देख ले। हां किचन या एक मिनट क्या हम यहां पे कोई अपार्टमेंट सेल करने आए? ये बहुत जबरदस्त किचन ये देखिए। वाह यार जबरदस्त। ओके अच्छा एक मिनट जिम ये रहा। ओके मैं अपने मतलब की चीज देख लूं जरा। ओके नाइस 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 ठीक है सलमा ये आपका बेडरूम है। यार कैमरा किधर किधर कैमरों का वो कैमरा हो रहा है। हेलो नाइस अच्छा बस ठीक है वो कैमरा सिर्फ सलमा के लिए लगाया है कैमरा। आज ओके अच्छा वेट वेट कितने केजी वाले हैं इनके पास? ये क्या है? ओ ये बादशाह साहब का रूम है इसको हम नहीं खोल सकते। सैलून सायमा आ जाओ। सायमा होम टूर सिर्फ एक बार होता है। क्या मेरा वेट देख लो 4 केजी सबसे बड़े वाले 4 केजी हैं 5 केजी ये क्या सैलून यस ये मेकअप रूम है। मेकअप रूम है ये क्या है लाइक सैलून ये आई गेस बॉयज है बॉयज एरिया वो शायद गर्ल्स एरिया है यार इधर। ओके अच्छा ये कबर्ड इन्होंने दिए हैं नाम यस यस नाम के साथ नाम के साथ हैं वेरी गुड नाइस यार ये वाली नाम था मेरा सायमा बलोच वेरी जबरदस्त। ओके यार रूम्स में देखूं मैं अपना बेड बना लूं। ओके जी यार ये अगले कुछ दिनों तक हमारा घर होने वाला है। कुछ दिनों क्या अभी हो गया मतलब कुछ दिनों तक। हाँ कुछ दिनों तक हमारा घर है ये। लोग कौन कौन आते हैं ये नहीं पता। कहाँ लिखा हुआ है बॉयज रूम और गर्ल्स रूम? वो कलर स्कीम था ना लेडीज उधर था कलर स्कीम ब्लू ये बॉयज का। हाँ, और ये गर्ल्स का है। यस ये बेड मेरा है अभी से जाके अपने बेड पे कब्जा करते हुए। अच्छा नहीं इसके भी नाम लिखा हुआ है इज माइन। हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं हमारी नो एंट्री है यहाँ पर। मैं तो ये वाला लूंगी एंड वाला ताकि मुझे अंधेरा इधर रोशनी बड़ी होगी यहाँ पे रोशनी आएगी। मैं यहाँ पे लेटूंगी लेकिन पता नहीं अब अभी से प्लानिंग हो रही है कहाँ धूप आएगी कहाँ नहीं आएगी। कोने वाला बेड चाहिए कौन? कोने वाला वो है। अच्छा ये कोना नहीं है बेसिकली। ये कोना नहीं है लेकिन इधर से रोशनी बहुत आएगी। नहीं रोशनी हर जगह से आनी है ये लाइट्स ऑफ हो जाएगी। रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब अलार्म बजेगा ना तो रोशनी किसी काम की नहीं होगी। ओके जी अब आई गेस दूसरे लोग आने वाले होंगे। अच्छा ये उनके लिए जिनकी दुश्मनी होगी इनको एक दूसरे की शक्लें नहीं देखनी होगी ना एक यहाँ बैठ जाए वहां बैठ जाए वहां देख एक वहां देख बैक करके अपनी गेम उठा जा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। यार हम मैचिंग हमने मैचिंग नहीं की लेकिन हमारी मैचिंग हो गई। यू लुक गुड। हाय दिस इज मी अनम तन्वीर और आप कौन? मेरा नाम नुमान हबीब। नुमान हबीब को हम पहले से जानते हैं लेकिन आज इंट्रोडक्शन कराना जरूरी था आपसे। चलो भाई आई लाइक इट मैं वही देख रहा हूँ माशाल्लाह आई लाइक इट लवली
जबरदस्त। अरे अंदर भी चंद लोग आए। अरे यार अंदर कौन है? आओ चेक करते हैं। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 डार्लिंग। इमान फातिमा अनम तनवीर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंडरटेकर, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। फिर तुमने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारा भी कोई, तुम्हारी भी कुछ चीजें सोचती हूं। ये छेड़नी है, कॉम्प्लीमेंट है। रियली आ जाए यार, आप घर दिखाएं बॉस। नुमान हबीब बॉस आ जाए, आपको हम घर चाचा रहे। प्लीज प्लीज आओ। ठीक है, आई लाइक योर व्हाटएवर यू आर वेयरिंग इज लवली। छुपने की जगह नहीं देखी भाई ने। दो महीने की किस्तों पे हम दे रहे हैं घर। प्यारा घर और प्यारे लोग। अच्छा, अरे जिम बड़ा प्यारा बना हुआ है यार। जिम से स्टार्ट करें? करो आज जिम करें। देखो देखो यार, जिम अच्छा लग रहा है यार। वेट इन्होंने बहुत कम रखे हुए हैं। आप बॉडी बिल्डर है यार, कोई बात नहीं। ये आओ यार, आओ तो देखते चेक कर दे। जोड़ लेना ना, 4 kg हो गया ना। अनम ये बॉल्स हैवी है। हां ये 5 है। ठीक हो गया। ये बादशाह सलामत का कमरा है। ठीक है, अभी जा नहीं सकते। ये वो कमरा है जहाँ पे खवातीन बहुत टाइम लगाने वाली है। अच्छा, मेकअप जाएगी आपका? हमारा अपना काम नहीं, आपका है। क्यों आप मेकअप नहीं करते? बॉस आई आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नेचुरल ब्यूटी। सामने आपने मेकअप किया है यार। मेकअप थोड़ी करता, पाउडर लगा रहा था। तो वो क्या होता है? मेकअप नहीं होता, नहीं कवर होता है वो सिर्फ। कवर भी बंदा असली करता है ना, कुछ छुपाने के लिए। Holy moly! This is look at this wow, beautiful place. Wow, I love it. क्या बात है, क्या बात है? झूला? I wanna take this thing. झूला, झूला है. Wait. We being we, as always. बहुत फिट है, बहुत. आज अंदर देखते हैं. मुझे इसका सारी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय। हेलो 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 शहरयार। हेलो, नाइस टू मीट यू। क्या बात है, क्या बात है। अनम तनवीर। ओहो, तुसी के यार, नाइस टू मीट यू। हेलो शहरयार, नाइस टू मीट यू। ओ माय गॉड, आपका नाम क्या है? शहरयार। हेलो लवली। हेलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे नाम याद करने में। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। हेलो हेलो, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रो। क्या हाल चाल है? हाय शेरी। हेलो, लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेरी, यार अस्सलाम। हेलो, हाय। हेलो, हाय। आपका नाम? सोया। नाइस मीटिंग यू। हेलो, हाय मानूर, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सारे जान पहचान वाले लोग आ रहे हैं, इतना मजा आ रहा है मुझे। चलो फिर भी टूर करते हैं अंदर का। अंदर ही चले जाते हैं अंदर का। हम ना अंदर ही चले जाते हैं अंदर का। आई एम सो आज अंदर का टूर, अंदर का टूर। लेडीज 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 यार, सबको दिखाना पड़ेगा। साइमा इधर आओ। साइमा नहीं मान रही अंदर जाने को। बस यही कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, ये लड़कियों का रूम है, ये लड़कों का रूम है। और सामने किचन है। सारी लड़ाइयां किचन की तरफ से। मसलों का नहीं जाना।
यहाँ बिल्कुल नहीं जाना ओके वेट्स बहुत कम सिर्फ आसान फिटनेस फ्री है ब्रदर यहाँ से मैं होंगी गेट पे वेट्स रख के बाकी सारे अभी नहीं होंगे ये हमारा मेकअप रूम है मैं बस ये मैं नहीं मिले हमें टाइम हो गया कि जो है ना वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूम है नहीं करता हूं मैं क्योंकि भी लड़ाई नहीं करता हूं यहां पे होती है यहाँ लड़ाइयाँ सब कुछ अच्छा ये इन्होंने इस बार आई थिंक वो सारी चीजें बड़ी सब कुछ चेंज किया है इंटीरियर सारा चेंज हुआ बहुत अच्छा इंटीरियर है इस बार लाइक हर दफा अच्छा होता है बट आई थिंक कुछ टाइम के बाद ये और अच्छा कर देते हैं नाइस आई लाइक इट अभी मुझे भी ऐसा टूर मिला है तो अब मैं आगे दे रहा हूँ चलो जो जो आता है उसको टूर देते हैं ना अच्छा है ना अब नेक्स्ट आप टूर देंगे मुझे लगता है हमारे लोकल रूम उधर है और लड़कियों के इधर है आप दोनों एक ही जगह से तैयार होकर नहीं हमारा स्कूल पास पास है भाई जी ये जुड़वा थे मिले में खो गए थे अभी मिले Thank you. Wow. अरे वाह 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 वाह. Beautiful. जबरदस्त हाँ. Amazing. Yes. ये तो लग रहा है कि हम किसी forest में आ गए. Full. अरे वाह वाह. Wow, this is amazing. Hello. Assalamualaikum. Hello. 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 Hi, Adam. Hello. Bismillah. Bismillah. Come, Bajia. Abhi abhi humne yahan join kiya. Oh, which way? Ye to ye na. Baitha. Jaldi aa ja, boss. Introduction chal rahe hain. आप लेट हो जल्दी जल्दी उनको अब क्लास में लेट हो गए टूर नहीं देना घर का यार आप लोग क्लास में लेट हो गए जल्दी आए हाउ आर यू आई एम गुड हाउ आर यू अब सेटल हो गए ना इंट्रो के बाद मैं वजीहा को लेके जा रहा हूँ टूर देने वजीहा नाइस टू मीट यू वेलकम करें चलो थैंक यू हाँ ये तो होता रहेगा ना मतलब अब्दुल्ला जिम है भाई हाँ ज्यादा लोग नहीं एक वक्त पे जा सकते शुरू होते हैं खत्म वाला जिम हाँ छोटा है लेकिन अच्छा है क्यूट है ना मतलब सारे एक साथ नहीं जा सकते इंटीमेट जिम है जिम का जेल कहाँ है जेल डंबल्स इतने हैं कि हम जेल कहाँ जेल ये तो अब बादशाह सलामत अगर जेल बनेगी बादशाह सलामत बताएंगे ये तो इनकी बैंड बजा जा देख तमाशा सब पे छा जा देख तमाशा अपनी गेम उठा जा ये देख लो भाई अब जो कुछ है यही पे ही है यही है कैसे है पहले पहले आप झूला आज बैठ रहे यार वो प्रिंसेस है आज बैठ अंदर वेट कर रहे हैं क्या रहे हो झूला देख रहे सही है यार सही है बिल्कुल ये चल रहा है इसको झूलने के लिए जगह चाहिए हमारा घर है ना बिल्कुल अपना घर समझो भाई चेक करेंगे देख के आज और जबरदस्त लेडीज जी लेडीज I love it. We're three together. MashaAllah. Hello, hello. Oh my God. Shahryar. Hello, Shahryar. Daniya. Nice to meet you. आप यहाँ से मिले आप नीचे खड़े हो मन्नस के ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है ठीक ठाक लग रहा है ठीक ठाक पूरे कपड़ों में बिछाने नहीं जा रहे मानी कैसे क्या बात
क्या कहा आपने? बादशाह कैसे यार, ये तो टोले शोले शोले की थे सर। हेलो दानियो अनवर। ओह माय गॉड, ये भी है। ओ दानियो अनवर, दानियो अनवर, ये आयान सब मुझे अभी ही चलेगा अभी। कैसी हैं आप? हेलो दानिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मिस दानिया, हाउ आर यू? हाउ आर यू? बहुत बहुत आप भी हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं कैसी? नहीं नहीं सर, प्लीज आए। नहीं सर, बहुत डॉलर महंगा है ना। डॉलर महंगा, कैसी आप? डॉलर तो मसला है। अनम, अच्छा अनम, जिसको रहेगी दानी याद उसको रहेगा मानी याद। दानी मानी, दानी मानी, जानी, ये जो आप जानी जानी दानी मानी जानी, ये जो आप ताज लगा के इधर आए हैं, वाह वाह वाह, ये जी वो है विवियन है उसके साथ। अच्छा, ये आपने इधर से निकाल के यहाँ लगा लिया? कंटिन्यूटी है हर चीज की। आए जी, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, सब ठीक ठाक है? लवली, बहुत बहुत आगे थत्ते हो गए। क्या बात है, कैसे 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 कैसे, बहुत बड़े बात करें, अपनी साइड हो जाए। वैसे एक कमेंट होना चाहिए, कमाल कर दिया यार इन्होंने। यस, क्यों भाई? लेडीज मैं कह रहा हूँ, कमाल नहीं कर दिया, ताली होनी चाहिए। थैंक यू, हम सबका अपना ही घर है तो मेहमानों वाली तो होगी नहीं। चलो शाम में भांडे तो और रोटी, खुद ही मेहमान है, खुद ही मेहमान है, खुद ही मेजबान है, मेहमान है, आटा गूंद दे, खुद ही मेहमान है, खुद ही मेजबान। पांव से बड़ा जबरदस्त आटा गूंद, वो फिर आप ही खाइए। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, तंदूर था आपका भाई, हम तो हाथों से आटा गूंदते हैं, ये मैंने पहली दफा सुना है। क्या क्या पैरों से? मतलब तो आपका क्या मतलब, वो सारे हाथों से घूम के खिलाते हैं आपको रोटियां? क्या मतलब है, हम रियली हाँ इसे घर की रोटी खानी चाहिए, गार्लिक भाई। जब उन्होंने चार पांच आठ रोटियां बनती है ना, उसको यूं यूं करते हैं, जब खाबे बनते हैं तो यूं यूं करते हैं। मैं वैसे तंदूर की रोटियां मैं ज्यादा नहीं खाती भाई, दोस्ती दूर की अच्छी रोटी तंदूर की अच्छी। क्या खाते हैं आप? नहीं, घर की रोटी भाई, आप दोनों एक ही जगह से तैयार होके आए? नहीं, हमारा स्कूल पास पास है, हमारी वैन एक है। इसको क्लियर को, हमारी वैन एक है। हम एक स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म में। वैसे आप दोनों की शक्ल मिलती है माशाल्लाह, कपड़े भी बहुत मिलते हैं। हम जोड़ी में आते हैं भाई, वो छोटे होते नहीं आते थे, वो कार्टून है कलन जैकल, इन्होंने प्राइस अच्छी, बाय वन गेट वन, जुड़वा थे मेले में खो गए थे, अभी मिले, बाय वन गेट वन फ्री। नहीं नहीं, जुड़वा थे खो गए थे अभी मिले। होटल के वेटर लग बता तो रही हूँ, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, सेम स्कूल। आपने क्या जुड़ी ना भाई, आगे आओ, थे कुछ चिकट तो नहीं? देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। काफी लोग हैं, काफी ज्यादा लोग हैं, आई थॉट कि हम सबसे पहले आए हैं। I'm super excited. How glamorous you look. Thank you so much. Thank you so much.
पापा ने शेड्स बनाए मुझे अभी ये बाहर ये बहुत अच्छा कर दिया हां ज़ोया यहां पे बैठो हेलो शहरयार अस्सलाम वालेकुम शहरयार माही बलोच हाउ आर यू हेलो हाय हाय माही यस आई एम माही सो ग्लैड टू सी यू सो ग्लैड टू सी यू हाय वजी हां आई एम गुड माही बाय ईमान फातिमा ईमान फातिमा ईमान हाउ आर यू माही बलोच Hello, baby girl. How are you? Good to see you. So good to see you. Same so here, good to see you. Can there be? Hello. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक हम ना यार मुझे इसको देख के बड़ी खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है साइमा से स्टार्ट साइमा स्टार्ट क्या इंट्रोड्यूस करें अपने आपको इंट्रोड्यूस करें आप क्या करती हैं ओके एवरीबॉडी हाय दिस इज मी साइमा बलोच हियर And I'm a film star of a Pakistani film industry. Nice to meet all of you. Taliyan ji, well done. Taliyan. Assalamu alaikum everyone. Mera naam Akhil hai aur main Islamabad se hoon. Aur I did a couple of films in Pakistan. Aur abhi main tamasha mein hoon. Inshallah, dekhte hain phir kya hoga. Ah, well done. Assalamu alaikum everyone. Mera naam Anam Tanveer hai aur main aap mujhe drama mein dekhte honge jinko nahi pata. और अभी एक दो मैंने फिल्म्स की हैं दैट्स ऑल और आई एम एक्साइटेड अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नुमान हबीब है एक्टर मॉडल और चंद सालों से काम कर रहा हूँ काफ़ी लोग से तो पहले से जान पहचान है बहुत सारे लोग नए मिले हैं ऐसा ऐसा जो है मुझे भी जान जाएंगे उनको भी जानने का मौका मिलेगा अच्छा मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे नाम थोड़ी देर में याद होते हैं कोई बात नहीं तो थोड़ा सा ये मेरे साथ होगा तो बस ये मैंने साडा सारा दा मुझे मुझे तो हो जाए कि आखिरी दिन एक्सक्यूज मी बॉस आप वही है ना जो मैं हूं शायद अफरीदी में जी जी मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं आपको नाम याद हो जाए ना इतने सारे आप नंबर याद कर ले बस उसी सारे ने नाम थोड़ा घबरा गए टाइटल बड़े पर्दे से नाम याद है भाई सात नंबर 11 नंबर मेरा कौन सा नंबर है जी सो हेलो एवरीबॉडी दिस इज़ मानूर परवेज और मैं मॉडलिंग करती हूँ एक्ट्रेस हूँ आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद एक्टिंग डिड टू प्रोजेक्ट्स बट आई हैव बीन डूइंग मॉडलिंग फॉर गुड 3 years एंड अदर देन दैट आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एज वेल सो या दिस इज़ माय लिटिल और डांसिंग मॉडल या एंड आई लव डांसिंग एज वेल मी टू पसंद है डांस करना मुझे बहुत क्यूट हाय थैंक यू ओके अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ ज़ाया समो आई एम एन एक्टर अभी मैं एक ईयर का ही शो कर रहा हूँ होस्ट सो वहीं से निकाल के मुझे ईश्वर में डाल तो अब हम तमाशा में आपके साथ तमाशा करेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक तमाम लोगों को और प्लीज अगर कोई बात इन फ्यूचर एडवांस में सॉरी मांग रहा हूँ अगर कोई बुरी लगती है तो वो दिल से नहीं होगी सिर्फ जबान से जी हेलो एवरीबॉडी हेलो एवरीबॉडी वेरी नाइस टू मीट यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा मजा आया मुझे पहले तो घर बहुत अच्छा लगा और मैं अंदर आके अभी तक आई एम वेरी एक्साइटेड आई विल बी ऑनेस्ट मैं दानिया अनवर हूँ छोटे मोटे ड्रामे किए हैं हमने हम वही करते रहते हैं शौक में जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं और फिर ये मौका मिला मैंने कहा दिस इज इंटरेस्टिंग व्हाई नॉट ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं वेलकम जी वेलकम दानिया वेलकम थैंक यू गाइस यू ऑल आर वेरी वार्म अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूं अब्दुल्ला एजाज और कुछ फैशन शोज किए हैं शूट्स किए हैं कुछ कुछ बहुत हम्बल कुछ कमर्शियल किए हैं मुझे बाहर जाके और कर दिया ऐसे लेते आया बाहर जाके और करा तो बस यही है थोड़ा बहुत मोटा सा जो है मेरा इंट्रोडक्शन नहीं नहीं काफी मोटा है हम आपको सब जानते हैं अच्छा ये इसने मेरी तरफ देख के कहा मोटा सा इंट्रोडक्शन अच्छा जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज वजिया खान आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल तुसी तारी आवाज नहीं आ रही तुसी मैसेज कर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज वजीहा खान वजीहा सारे चुप करें ना चुप तो करें पहले सारे पहले पैथी पहले जी 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 माय नेम इज वजीहा खान आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दिस एंड आई रियली होप दैट वी हैव फन और हम एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे तरीके से रहे इंशाल्लाह खान जुनेद अख्तर और मैं एक्टर और मॉडल हूँ इधर आया हूँ तमाशा घर में आप लोगों के साथ और देखते हैं होप फॉर द बेस्ट क्या होता है
तालियां जी, तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान फातिमा और मैं हूँ सिंगर। मैं अपना ही गाना सुनाती हूँ। बादशाह सलामत आने ब्रो भी। वो बेल बजेगी। वैसे मुंडिया तो बहुत सेट होता, ठीक है ना? तुसी जितना मर्जी सेट करो तो गाना गाने ले बनो। मुंडे पहले सेट ने। तेरे ले छड़े मैं ते दुनिया दे सोने कई लगिया ने भाया मैं ते गल तेरे बलो रही एवें सही हिट हो गया, हिट हो गया। मेरा नाम डॉलर है, मानी लियाकत है, डॉलर है, हमेशा खड़े होके बात करनी, पाउंड बेच रहा हूँ। ये पॉइंट मैं तेनू मैं ऐसा सा पापड़ बेचना तू याद रख। मैं मैनचेस्टर से हूँ, पुट्टी सिंधी अंग्रेजी तुसी बोली तो मैं फाड़ लेना। पहले मैं कह रहा हूँ, वैसे सियालकोट से हैं तो पकड़े जी, पहले आप तो बोल के दिखाए, हमें पता तो चल गया। आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सॉरी मेरे मुंह जरा टी फंस गया ऐसे। इट्स एन ऑनर, आप सारे बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और ऐसे ही रखे। लेट्स हैव द बेस्ट टाइम वी ऑल कैन हैव। Yes. क्योंकि जिंदा किसी ने जाना नहीं दुनिया तो, जिन्ना की रेला है रेला है, वरना एवें ते एवें सही एवें ले एवें सही। थैंक यू, निकले मेरा एमएल भी है, एमएल कह लिया करो, परफॉर्मर भाई परफॉर्मर, क्या बात, कितने मिलीलीटर। चलो जी, हाय एवरीवन, आई एम ज़ोया खान और आई एम वर्किंग एज अ मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर, और अब मैंने रिसेंटली फिल्म की है और टेलीफिल्म भी की है, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ तमाशा शो के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जबरदस्त। कोई पढ़े लिखे लोग भी आए होते हैं। चलो रायता बुलाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आगा तलाल एंड आई एम वर्किंग एज एन एक्टर एंड अब आप लोग के साथ हूँ, देखते हैं कैसे जाता है। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब का करियर इससे आगे लेके जाएगा। तमाशा की क्वालिटी तो है ना, ये तो है, तालियां तमाशा के लिए। लव यू जी, इंशाल्लाह ब्राइड जी, ब्राइड, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा नाम है माही बलोच एंड मैं फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। सबसे पहले मेरे दोस्त वो बैठे हैं अयाज समू, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नुमान के साथ मैंने काम किया है, अनंत तनवीर के साथ काम किया है, हमने एआरवाई मेरा सेकंड होम है, एआरवाई के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एआरवाई के साथ मेरा दूसरा रियलिटी शो है माशाल्लाह। सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू बी हियर और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह एआरवाई ही आपको मुंडा लब के देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसलान खान है, आई एम अ मॉडल टर्न्ड एक्टर एंड एन एक्स नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। वाओ, तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं इस वक्त बहुत नर्वस हूँ और मेरे बिल्कुल ना हाथ कांप रहे हैं। नहीं नहीं, डोंट बी नर्वस, यू डू रियली गुड, आई थिंक वी ऑल आर नर्वस एक्चुअली, आई थिंक एट सम पॉइंट, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस, और ये हमेशा सारी जिंदगी हमें याद रहेगा, फोन्स के बगैर, किसी कनेक्शन के बगैर। सो आई होप वी हैव अ गुड टाइम, आमीन आमीन आमीन, एंड वी विल डू रियली गुड इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना नईम है। क्या सॉरी, यू डिसाइड, यू नीड टू डिसाइड, एनआई नंबर लेके आना प्लीज, एनआईसी नंबर, यू कैन कॉल मी हमना और हमना एनीथिंग, हमना और हमना। आपको क्या पसंद है? हम लोग जब सुबह सुबह वॉक करने जाती है ना, पैर में कुड़ुल पै गया। अच्छा उसे अपने कंफर्ट जोन में बोलने दे आपसे। यस, मैं इन्फ्लुएंसर और मॉडल हूं और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। कोई बात नहीं, आपके इंग्लिश लीक हो रही है, आपको मसला नहीं है। तालियां तालियां उज्मा के लिए, उज्मा के लिए ऑनर लड़कियों के खड़े होंगे मैं इधर आके। वाह वाह मेरा भाई,
वाह शेरी वाह। मेरा नाम शहरयार है। तू लगता नाले बेचन आया। मैं अगे शहजादा। मैं पैदाइशी मॉडल हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या बात है, बचपन में मैं पोज पूज करके मॉडल बन गया था, तो उसके बाद भी चल रहा है। एक्टिंग भी की है थोड़ी बहुत। अच्छा। फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं। नाइस। योगा और मेडिटेशन भी सिखाता हूँ। गुड। हेलो, मैं तुम्हें बिजी रखना है। मुझे कहा दे। और आप मेरी फैमिली आज से माशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे। थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। आज और अभी से आपका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और आप सब 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहेंगे। अगर कोई भी हाथापाई करता है तो उसे सीधा घर से बाहर कर दिया जाएगा। माही आप जाके बैठ जाओ। सीरियसली पता है अल्लाह ना करे। जी जी मैं नहीं खेलती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस मैं बैठ गई। ये ले भाई प्लेट। जानी प्लेटें देख के मेरी जान। यार एक्चुअली इट्स स्लिपरी ना, तो वो हो जाता है स्लिप। Assalam, I love the energy. बैठ जाएं आप सब लोग। थैंक यू। माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू तमाशा घर। और बहुत जरूरी है जब बेल ये आवाज आ जाए उसके अंदर कोई बाथरूम कुछ नहीं, बीच छोड़कर आ जाओ भाई। सॉरी सर। ठीक है, आजा आजा। दूसरी बात ये है कि एक और ताली बजा दें मेरी टीम के लिए जो इतना जबरदस्त घर आप लोगों के लिए तैयार है। वेल डन वेल डन। अच्छा मैं आपको बता दूं, आज आप जब अंदर आए घर के अंदर आप लोगों ने देखा कि बड़ी ग्रीनरी हर तरफ। जी जी है ना। तो हमारी थीम है तमाशा सीजन 3 की और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रीन हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ग्रीन दरख लगाने हैं। आप लोग इस घर से चले जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, मगर वादा करें कि प्लीज एक 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 दरख जरूर लगाएंगे। इंशाल्लाह। यहाँ आप लोग जब घर के अंदर आए कैसा लगा घर आपको? अच्छा, बहुत खूबसूरत। कमाल का लगा ना? या लवली, बहुत बहुत अच्छी वाइब है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि घर जिस तरीके से साफ है वैसे ही इसी तरीके से हमेशा रहे। इंशाल्लाह। मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सफाई पसंद आदमी हूं मैं और मैं चाहता हूं मेरा घर जैसे मेरा घर साफ है ऐसे तमाशा घर भी साफ रहे। आपका घर भी साफ होगा यकीन है? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप इसको वैसे ही रखें। अभी कुछ रूल्स है, कौन पढ़ेगा भाई? मैं। किसकी अच्छी उर्दू है? मेरी। हाँ भाई। तमाशा घर के उसूल। आज और अभी से आपका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और आप सब 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहेंगे। इस घर में ना आपके पास मोबाइल होगा, ना घड़ी और ना पैसे। ये माइक आपके जिस्म का हिस्सा है जो सिर्फ सोते वक्त उतारा जाएगा। अब से आप सिर्फ उर्दू जबान में बात करेंगे। इशारे और सरगोशी की इजाज़त नहीं होगी। ये तमाशा घर आज से आपका है और इसमें मौजूद हर चीज की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आप तब तक नहीं सो सकते जब तक घर की तमाम लाइट्स बंद ना कर दी जाएं। लड़के और लड़कियां एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। फेयर इनफ। करलिज्म, रेसिज्म, बॉडी शेमिंग नाकाबले बर्दाश्त जुराइम है। अगर कोई भी हाथापाई करता है तो उसे सीधा घर से बाहर कर दिया जाएगा। इस घर का सबसे अहम हिस्सा यहाँ खेले जाने वाले खेल हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आप इस घर में अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। अगर खेलों को मुकम्मल ना किया गया या ना खेला गया तो इसका सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शोज़ में जीतेगा वही आवाम का दिल जीतने में कामयाब होगा और 25 लाख की इनामी रकम जीत पाएगा। थैंक यू।
ये असूल याद रहने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि ये असूल मैं इस घर में रख भी दूँ ताकि अगर कोई भूलता है तो उसको पढ़ के याद कर ले। किसको भूख लग रही है? बहुत सर, फिलहाल ये मेरा भी दे दे इनको। तो आज के दिन आप लोग मेरे मेहमान हैं। आज का खाना, ये चीज, रात का खाना मेरी तरफ से, तमाशा घर की तरफ से आप लोगों के लिए। इनको खिलाएं, वो अगर बाहर निकले ना वो बिली ने उनको उठा के ले जाना, इतना हल्का होगा। नहीं 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 निकलेगा वो कहीं, नुमान यहाँ कोई निकल नहीं सकता अपनी मर्जी। मसला ये है ना। अच्छा कुछ अभी आप लोगों के स्नैक्स आएंगे, कुछ खा लें अभी आप लोग ताकि थोड़ा सा पेट भर जाए। एक और चीज़, आज आप सब लोग मशवरा करेंगे और दो वो लोग निकालेंगे जिनको इस घर में वजीर नहीं बनना है। दो ऐसे लोग नहीं बने, नहीं बनेंगे। सब लोग वोटिंग करेंगे इसके लिए इनफरादी तौर पर, समझ आ रहा है? दो लोगों को वोट आउट करना है, अभी नहीं बनेंगे जो नहीं बन सकते। देखो भाई, अकल की बहुत जरूरत है इस घर में और जिसकी अकल नहीं होती मेरा दिमाग खराब हो जाता है। समझ आ गई? तो मैं बच्चों की तरह समझा दूं बात को। और क्या ये कॉन्फिडेंशियल होगा? अल्लाह मिला मानी नहीं चाहते कि साइमा बलोच इस और महानूर इस घर की वजीर बने। बस दिस इज इट। ऐसे सब ने दो दो नाम देने। ओके ओके, समझ आ गई। और ये डिस्कस कर सकते हैं या अपना? तो जिसके सबसे कम वोट होंगे मैं आपको बता दूंगा वो क्या होगा, वो क्या नहीं होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स, बैठे रहें प्लीज, खड़े होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बादशाह सलामत नहीं हूँ मैं, बड़ा प्यार करने वाला हूँ तो बैठ जाए। नहीं आज रोटी आप ला रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी देर में स्नैक्स आ रहे हैं, खाइए, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, हम यहाँ पे खड़े इसलिए कि हम मुश्तरका सबसे पूछ ले कौन नहीं बनना चाह रहा। मेरे हिसाब से नुमान की तबीयत खराब है। अरे आप अपना बताइए, नहीं बनना। आप दो लोग नॉमिनेट कर रही है कि नहीं, अभी नॉमिनेशन नहीं कर रही है आपको। आपको सिर्फ ये बताने की आप बनना चाहते हैं। मसला नहीं है, बनने में मसला नहीं है, बनना चाहती है। ठीक है जी, मैं नहीं नहीं बनना चाहती, मुझे भी मसला नहीं। आप को बनना चाह रही हो? बनना चाह रही है। नहीं, नॉट दिस ईयर। नुमान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रिकवरी में टाइम लगेगा और ये बहुत मुश्किल थोड़ा वो है टास्क है, मैं नहीं चाहता। अगर बनना चाह रहे बस सही है जी। नहीं नहीं बनना चाह रहा। इस वीक नहीं बनना चाह रहा? नहीं नहीं बनना चाह रहा। यस यस यस, ठीक। हमारे पास कितने लोग हैं? अब जो बनना चाह रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। भाई ये जो है ये जो बनना चाह रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग हैं जो नहीं बनना। आपका भी अकील, आपका भी है। तुम तो चला नहीं रहा, तुम सामान के लाओगे, आ जाओ, तुम्हारा नाम नहीं होगा। हमारी ड्यूटी है। आप लोग यहाँ से पकड़ो, ये ले आगा पकड़ कर, एक एक करके। हमारी ड्यूटी हमारी लगी है ना। ये स्ट्रैप पैन पैन के में आदत हो गई है। पहले किचन में इसको देखना नहीं किसमें क्या है, और नहीं आता कि इसमें क्या देखना है, ये तो खुल जाएगा। नहीं ये सारा देख ले, कचरा भी तो निकाल ले। ओके ओके फाइन। देना ये लो, मुझे एक और चीज दे दे हाथ में। शोर हो ये मुझे आप। हां अनम ये पकड़ लो ना। नहीं नहीं नहीं, ये है ठीक है। आ जाओ, ये ना जाए, ये मीठा है। अरे जाना मीठा पकड़ यहीं से, ये आप ले। माशाल्लाह क्या खाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो निकले, आप निकले, आप निकले, आ जाओ। और कुछ है? सब हो गया, ऑल डन। आज सारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रोटी खुल गई मानी भाई, आ जाओ भजिया, ये साइड भी कीजिए, सारे बैठ जाएं, बैठ के खाओ। पहले निकालेंगे ना, बैठ के उड़ के आएगा प्लेट में। आ जाओ भाई, सैलेड खाने वाली शक्लें इधर आ जाएं। थैंक्स शेरी, और इधर का और आगे तक ले जा, और आगे तक, और आगे तक। हां उधर उधर ले, क्योंकि स्पेस नहीं है ना यहां पे। नुमा भैया बैठे बैठे, मुझे कांटा दे उठा दे। फाइनली हम लोग कोई नहीं, मैं करता हूं काम ही। ये सैलेड्स हैं, काशी रोटेट होता है ऐसे करके, होना चाहिए। अरे एक मिनट, एक मिनट, अरे अरे हम आ रहे हैं, रुके पानी लेके, ठंड रखो, इंतजार कर लें प्लीज। उधर बाल तेरे यहां तक आ, भाई ये खोल लूं ना एक दफा। अच्छा किसी को सैलेड शेयर करनी है, सबने हाथ मुंह धो लिया ना, कोई एक ले सके।
भाई प्लेट जानी प्लेटें देख के मेरी जान नहीं टूटी यार, एक्चुअली इट्स स्लिपरी ना, तो वो हो जाता है स्लिप। ये प्लेटें आप लोग ना जरा देख, देखी मैं कल तो तेरे को की करके क्या? Honestly बता रहा, तुम्हें देखे ना मुझे टेंशन हो रही है। इसको देखे, इसको देखे मैंने, ये गिर ना जाए माशाल्लाह। अच्छा बात सुनो, उधर थोड़ा थोड़ा ना चिकड़ उधर साग के साथ। नहीं माही आप जाके बैठ जाओ, माप माप पाया था नहीं पता है, अल्लाह ना करे। जी जी मैं नहीं गिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस मैं बैठ गई। डर के मारे पानी होल भी नहीं दिया, एवरीथिंग पानी। किसी को कोई टास्क भी नहीं मिला, सब क्लीन कर रहे हैं। ये सब आज के दिन, यार मेरी प्लेट छोड़ दे, मैं खुद ही धोऊंगी। छोड़ दे तू मेरी बात सुनो, मैं चाह रहा हूँ जब हमारा इंशाल्लाह पहला एपिसोड बाहर जाए ना ऑन एयर, yes. दुनिया हुक हो जाएगी। ओके यार पॉजिटिव अच्छे लोग आए हैं, क्यों नहीं हमें अच्छा इमेज देना चाहिए हमेशा, क्यों भाई? सारा मैं धो दूंगी, छोड़ दे यार मेरी बॉटल, मैं धो रही हूँ ना, पानी की देगा जान, तू आज मुझे मैं धो रही हूँ, मैं कर दूंगी, तू जा मैं चाहिए ना मुझे बेबी, दो मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ तुझे करके। इस तरह का डीजे ना स्पीकर गिरने की वजह से मर गया। अच्छा दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तू खाली सोना नहीं है। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम। कभी नहीं सुनाएगा ना लेकिन अच्छा है। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह जी वाह, तालियां। आकी साडा आवे आवे, आकी साडा आवे आवे। आप तो खुद नहीं चाहते कि आप वजीर बने इस घर के, और ये लोग भी नहीं चाहते, आपकी तबीयत सही नहीं, तबीयत सही नहीं तो आई क्यों इस घर में भाई? नहीं सर मैं अगर हुआ तो जरूर जिम्मेदार। बात ये है कि आई क्यों, फिर अगर तबीयत सही नहीं थी तो मना कर देते। आप सब लोग एलिजिबल हैं खतरे के घर में, तो अब कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? पब्लिक। हेलो 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 हेलो, गुड नाइट, कैसा रहा खाना? मजा आया? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा खाना सर। जो स्वीट थी ना वो चेरी ऑन टॉप था। मगर ये बताओ अभी तो सिर्फ स्नैक्स आए थे, अभी तो खाना आना है? नहीं बादशाह सलामत हमने यही कहा कि अभी मैंने क्या कहा था, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं जी, तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ना मैं जी, तो वाकई मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चाय भी आएगी, रात का खाना भी आएगा, और जब मैं कह रहा हूँ कसर नहीं छोड़ूंगा तो वाकई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या कहा था, ये घर किसका है? आपका, आपका, आप सबका है। बस अभी आप आए हो और अभी आते साथ प्लेट तोड़ दी। देखिए अगर मेरा मिजाज स्लिप हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा, कुछ घंटे गुजरे हैं और ये प्लेट टूट रही है, शीशा आगे गंदा हो रहा है, कोई नहीं देख रहा, कहाँ तो ऐसी सफाई हो रही है कि मैट्स तक धुल रहे हैं। वाह भाई वाह, ये याद रखिएगा, धोते रहिएगा अभी जी, ये ऐसी चीज़ें मैंने पहली दफ़ा देखा है इस घर में, मैट्स भी धुल रहे हैं। तो भाई तालियां, मैट्स धुल रहे हैं भाई, ये बड़ी चीज़ें होनी है इस घर में। मुझे जो डर है ना, मुझे लग रहा है वो बहुत जल्द हो जाएगा। वो डर क्या है कि मेरा मूड कहीं जल्दी ना ख़राब हो जाए, है ना, अल्लाह ना करे। वाकई तो जनाब वोटिंग हो गई, कैसी रही? अच्छी, समझ आ गया था ना सबको जी। तो चले फिर हम शुरू करते हैं भाई। अयाज, नुमान और सायमा, इन दोनों को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
नुमान का, इसलिए कि नुमान खुद विड्रॉ करे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चाह रहा है कि वो थोड़ा बेहतर फील करे, उसके बाद अच्छा 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 अच्छा। तो आप मशवरा कर रहे, हमने पूछा आपस में एक दूसरे से कि भाई किसको बनना है किसको नहीं बनना, उसके अकॉर्डिंगली वोट करेंगे। ठीक है, तो नुमान ने वैसे ही विड्रॉ किया और सायमा कह रही है कि मुझे पहले हफ्ते में नहीं बनना, पहले हफ्ते में नहीं बनना। सर मेरा भी यही है और रीजन भी सिमिलर है। आगा नुमान और सायमा। ओके अब्दुल्ला। नुमान की यही है, उसका तबीयत खराब है, तो मैं नुमान और वजीहा। चलो नुमान का समझ आया, वजीहा क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जरा मुश्किल से मैनेज कर पाएंगे। अभी से बड़े पहुंचे हुए हैं यार आप। जुनैद। नुमान और सायमा। शहरयार। सायमा एंड माही। माही। ओके व्हाई माही? माही का इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि घबरा रही हैं पहले वीक के लिए, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए आई थिंक कि वो ऑप्ट आउट करना चाह रही हैं इस बार। ओके यू अनम। नुमान एंड वजिया, बिकॉज नुमान की तबीयत ठीक नहीं है और वजिया ने पहले ही कह दिया था कि हमने नहीं बनना, सायमा ने भी नहीं बनना, बट आई थिंक वजिया नहीं चाहती बनना। यस मिस बलोच। नुमान एंड अनम तनवीर। शी जस्ट सेड कि इनका गला खराब हो गया एंड ही इज नॉट वेल, वो तबीयत ठीक नहीं है। माई। तो नुमान और सायमा, क्योंकि नुमान की वाकई तबीयत खराब है, मैंने अभी डाइनिंग टेबल पर भी देखा, एंड सायमा ने खुद ही कहा कि मुझे इस हफ्ते नहीं बनना। नुमान उनकी तबीयत नहीं ठीक और सायमा क्यों? उन्होंने भी मेरी तरह यही कहा था कि मैं इस वीक में नहीं करना चाहती, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहती हूँ एंड देन आई विल डिसाइड के बाद में। महानूर। ठीक है जी। तो नुमान क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, जुनेद, ईमान, फातिमा, सायमा और नुमान। अब नुमान एंड वजीहा। नुमान एंड वजीहा। 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 जी दानिया। अनम एंड सायमा। अनम एंड। इट इज वेरी इजी बिकॉज सब लोगों ने कह दिया जिन्हें नहीं बनना था, जिन्हें नहीं बनना था आसानी हो गई, सबने बोल दिया हमें इस हफ्ते नहीं बनना क्योंकि कुछ पता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग नहीं बनना चाहते। इन दोनों का इसलिए इन्हें बिस्तर देखने में परेशानी हो रही थी, तो कोई कैप्टन बन के इनको बता दे इनका बिस्तर कौन सा है, तो इसलिए इनको हमने डिसाइड कर दिया। अब लोग अब कौन सा अंदर वाला कौन है या बाहर वाला? लास्ट वाला। ओके अकीला। ईमान एंड सायमा। ईमान क्यों? क्योंकि ये दोनों जो नहीं मैं नहीं ऐसा नहीं अब बनना चाह रही है चेंज कर लिया अभी चेंज कर लिया इरादा। अच्छा अबे इरादा फिर लेकिन मेरा वोट फिर भी यही है क्योंकि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ईमान एंड सायमा। अब आपके सोच से मैं तो नहीं बदलूंगा। मैं नहीं मानूंगा। ओके मानी। सर आगा और माही। आगा और माही क्यों? आगा अभी कह रहा था आगा अभी रेडी नहीं है। हाँ अभी उसने और माही उसने इतना भारी ड्रेस पहना क्या मोनिटर सारा डिग रहा ना जाए। ओके नुमान। अकील अनम। अकील एंड अनम। सबसे ज़्यादा किसको मिले ये इन चारों को और सायमा को और जिसको नहीं मिला वो सर हाथ उठा लें। दोनों आप तो खुद नहीं चाहते कि आप वजीर बने इस घर के और ये लोग भी नहीं चाहते। इन्होंने आपकी बात मानी, आपकी तबीयत सही नहीं, जब तबीयत सही नहीं तो आई क्यों इस घर में भाई? नहीं सर मैं अगर हुआ तो ज़रूर। बात ये है कि आई क्यों फिर? अगर तबीयत सही नहीं थी तो मना कर देते कि भाई मैं नहीं कर खेल सकता, तबीयत सही नहीं है। अच्छा अब ज़रा नुमान इधर आइए, ज़रा ये पढ़िए आके, वज़ीर के पास पावर्स क्या क्या है और फ़ायदे क्या है वज़ीर बनने के? डी फोकस हो रहा है सर। आवाज़ें बुलंद। वज़ीर के इख्तियारात। घर का वज़ीर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जब वज़ीर है ख़तरे के घर से महफूज रहेगा। वज़ीर के ज़िम्मे घर का कोई काम नहीं होगा, लेकिन घर में रहने वाले वालों को जिम्मेदारियां वज़ीर तय करेगा उनकी। खाना कौन पकाएगा, सफाई कौन करेगा, राशन क्या और कितना आएगा, ये फ़ैसला वज़ीर करेगा। घर के तमाम असूलों की पाबंदी करवाने की जिम्मेदारी भी
वजीर की ही होगी। वो जैसे चाहे नाफरमानी की सूरत में सजा दे सकता है। जहां वजीर सभी घर वालों को अपनी उंगलियों पे नचा भी सकता है, वहीं वजीर की अपनी किस्मत की चाबी बादशाह सलामत के हाथ में होगी, क्योंकि वजीर पर हर वक्त बादशाह सलामत की नजरें रहेंगी। अगर वो अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो बादशाह सलामत जब चाहें वजीर से तमाम इख्तियारात छीन कर उसे घर का एक आम रिहायशी बना देंगे और लम्हे भर में ख़तरे के घर में मेहमान भी। थैंक यू, बैठ जाइए। तो भाई, आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से और इनकी ख्वाहिश के हिसाब से इनको वज़ीर नहीं होना चाहिए। और मैंने क्या कहा था, वज़ीर कौन होगा? तो जिसके सबसे कम वोट होंगे वो वज़ीर बनेगा, यही था ना? ऐसे ही था ना? मगर मैं उल्टा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं वो उस घर का वज़ीर होगा। तो नुमान, आप इस घर के वज़ीर हैं, आप घर में सेफ हैं। आज से आप वज़ीर हैं एक हफ़्ते के लिए, और अब आप डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा, किसका घर साफ़ करने की ज़िम्मेदारी है, किचन किसकी ज़िम्मेदारी है, खाना कौन पकाएगा, सफाई कौन करेगा, बाहर की सफाई कौन करेगा, अंदर की सफाई कौन करेगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आपकी तबीयत सही नहीं है बकौल आपके, तो मैं पहला हफ्ता है, मेहमान है आज मेरे आप, तो मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप अपने साथ कोई असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई भी एक। सेफ नहीं, मगर किसको रखना चाहते हैं? अयाज। तो आप दोनों की जोड़ी बन गई है इस वक्त के लिए। ये जो कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, और जो ये कहेंगे नुमान के ज़रिए वो आपको सुनना पड़ेगा। क्लियर है? जी। तो मैं फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ कि नुमान इस हफ्ते सेफ हैं और वो इस ख़तरे के घर में नहीं हैं। आप सब लोग एलिजिबल हैं ख़तरे के घर में, इनफैक्ट आप लोग हैं, चले गए हैं। तो अब कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? पब्लिक। तो वोट मांगना कैसे, इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं प्लीज। कि अगर आपको पब्लिक सेव करना चाहती है, एयरवाइज ऐप ऐप पे जाएं, आपके लिए वो डाउनलोड भी करें और आपके लिए वोट करें, अपना नाम बताएं और ये भी बताएं भाई मेरा इस घर में रहना क्यों ज़रूरी है, उनको कन्विंस करें। वो मेरे माई बाप हैं, तो जो बादशाह सलामत सुनता है सिर्फ आवाम की सुनता है और किसी की नहीं। बेशक। और सर ये फ्री है ना वोटिंग करना? तो बिल्कुल जी, शुरू हो जाए। और मैं आपको आपको दो लोगों को तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये देखें हमारा जो इस दफ़ा का जो सीज़न है ना, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। एक तो इसके दिन बढ़ गए हैं, 64 डेज, घर बड़ा हो गया, कैमरे बड़े हो गए हैं, यानी नज़रें और आप पे पुख्ता हो गई हैं। तो आपको कल आप लोगों को पहला टास्क मिलेगा, रात का खाना भी आपको मेरी तरफ से, खाना आना है, और सुबह का नाश्ता भी आपको मेरी तरफ से। बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत। वजीर साहब आप अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। अच्छा वैसे इफ यू डोंट माइंड, आपने कहा मजाक नहीं करना, दो छोटे छोटे जोड़ के हम एक ना कर लें। अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पेंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल। थैंक यू। तो जनाब एंजॉय करें आज के लिए, खुदा हाफिज। थैंक यू बादशाह सलाम। कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ना भूलना प्लीज, चाय वाला वादा बादशाह सलाम। आप लोग चाय का वेट कर रहे थे, वो आ गई है, बस ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है जैसे आप लोगों को नहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस, और मैं बड़ा सॉफ्ट मिजाज इंसान हूँ, मुझे चीखना चिल्लाना सख्ती करना मेरी नेचर में ही नहीं है,
मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ, मेरी तबीयत भी डाउन है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही। अच्छा वो इंशाल्लाह होगी नहीं, हम गेम ही तो अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। मगर अच्छा चीज़ ये है कि पहले तो हम कर लेते हैं कि कौन शख्स किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो काम है, मैं अगर चंद नाम लेता हूँ उसमें कोई और आपने ऐड करने तो बताइएगा। पहले आई थिंक डिवाइड कर लो, वो कर लेते पहले लोग पता चल जाए कितने। जैसे किचन में खाना बनाने का, एक हफ्ते तक खाना बनाना होगा। अब खाने के एक्सपर्टीज, जैसे मैं अगर बोले तो मैं सिर्फ बॉयल्ड एग कर सकता हूँ, फ्राई कर सकता हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता। लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा होगा एक्सपर्ट तो मैं पूरी मेहनत साथ उनको टाइम वो दे सकता हूँ। आप लोग खाने के लिए एक्सपर्टीज। हाँ अच्छा, हम लोग 18 अब हम डिवाइड करेंगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सही है? दो टीम एक कर दो, एक टीम एक कर दो। ब्रेकफास्ट के लिए जो है दो नाम थे, एक अनम थी और दूसरा ब्रेकफास्ट मैं बना सकती हूँ, ब्रेकफास्ट मैं बना सकती हूँ, उन्होंने कहा था वो डिनर बना सकती हैं, वो लंच कर मैं ब्रेकफास्ट भी बना सकती हूँ। हाँ आपके लिए लंच, आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्रॉब्लम है आपको? यस आई कैन नॉट कुक। ओके फाइन, तो ब्रेकफास्ट हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है। जोया तुम्हें भी तो आता है लंच डिनर में? ठीक है, आप दोनों एक काम कीजिए, आप लोग हो गई ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। और आप लोग जो आप दोनों करेंगे जो भी अनम एंड जोया, राइट? सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल दूं, ठीक है। जोया एंड अनम लंच के लिए, और डिनर के वक्त जो है आपने, आप दोनों ने कहा था ना, तो डिनर आप दोनों, जरा हम मर्द के हाथ का भी जायका चेक करें। हाय हाय हाय, बोला खुश कर दे मानी भाई, जितने प्यार से ये बातें करते हैं उतना जायके में भी मजा आएगा इंशाल्लाह। मानी भाई कभी इसमें ऐसा भी होगा कि आप लंच पे आ जाएंगे वो डिनर पे चले जाएंगे, आप बुलाने वाले बने। देखिए एक काम करेंगे ना, आप सुनिए, अगर आप लोगों से ड्यूटीज नहीं हुई कोई बात नहीं, शफल कर देंगे, लेकिन अपनी जो है ईमानदारी से कीजिएगा, वरना उसकी सॉरी मुझे फिर उस पर जाना पड़ेगा सजा के तौर पे। मैं शहरयार और अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ कि वो डिश वॉश जो बर्तन धोएंगे सुबह दोपहर और रात तीनों वक्त के फिलहाल, क्योंकि ये ज़्यादा देर के मेरे ख्याल से ड्यूटी नहीं है। ज़्यादा अगर चेंज होगा मुझे वक्त के लिहाज से लगा मैं चेंज कर दूंगा। देखिए मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं किसी की राय ले नहीं सकता। टाइम शॉर्ट करते हैं, एक टाइम पे हम वॉश करते हैं बर्तन और फिर अंदर एक थोड़ी सफाई भी करते हैं। मुझे एक दिन दे दीजिए, अगर मुझे लगा तो मैं चेंज कर दूंगा। एक दिन जरा मैं जो आपको रूल्स बना रहा हूँ उस पर चल लीजिए, उसके बाद मैं बेहतर खुद भी समझ जाऊंगा क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारे पास कितने लोग रह गए हैं, 3, 2, 5 लोग अभी तक हो चुके हैं, नहीं 2 टीमें बनी थी ना, जो लोग हो गए जो लोग हो गए ना वो यहाँ पे आ जाएं। चले आप एक काम कीजिए, जिन लोगों के हो गए जो लोग हो गए वो उठ जाएं। अल्लाह के मुझे भी ये डिनर हमारी डिनर टीम, आप सबके लिए चाय निकाल लीजिएगा। मैंने थैंक यू। अच्छा आगे आप नहीं हो ना, बैठो बैठो आगे। ये हमारे पास रह गए 8 लोगों की ड्यूटीज में। अच्छा अब हम आ जाते हैं पहले डस्टिंग के ऊपर, डस्टिंग और शीशा साफ करने के लिए। मेरे ख्याल से लेडीज मुझे सूट करेंगी, क्योंकि लड़कियां मुझे अच्छा नहीं लगेंगी। नुमान, कीपिंग इन माइंड, मेरी कमर के 2 हर्निएटेड डिस्क हैं। अच्छा तो आप डस्टिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकती हैं? मतलब मैं वो उस तरह वाला काम नहीं कि जिसमें बार बार झुकना पड़े, और वैसा किचन है, देखें किचन में बर्तन धो सकती हूं। हाँ बर्तन धो सकते हैं, वो तो ड्यूटीज हो गई। ये आपको मैंने जब पहले सवाल किया था उस वक्त आपको बताना मैंने चाहिए। बताया था ना कि मैं खाने में जा रही हूं। अभी अभी जो है मैं जो असाइन करता हूँ उस पर करें, डस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मैं बताता हूँ। अगर कमर का प्रॉब्लम होता है आपने बैठना ऐसे होता है, ये नहीं मेरा सीरियस प्रॉब्लम है। चलिए आप एक काम कीजिए, जो भी आप, मैं 2 लोगों को लगा रहा हूँ जो डस्टिंग के लिए और जो है शीशे साफ करने के लिए, तो आप थोड़ा कर लीजिएगा। शीशे साफ कर लूंगी, शीशे बहुत इजीली साफ कर, जिस चीज में झुकना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है वो ऊपर घर के सारे शीशे माएंगे। हाँ मैं कर लूंगी, बस सही और बहुत करीब जाके करूंगी, बहुत डस्टिंग भी लोग चाहिए जी, घर की सारे शीशे ये करेगी और बाकी जो एरियाज हैं ऊपर ऊपर की टेबल चेबल वो किसे तुम एक काम करो तुम साथ कर लो, क्योंकि तुम उधर हाथ कैसे पहुंचेगा वैसे मेरा, ठीक है। अच्छा एक काम अयाज, एक मिनट, हमारे पास बंदे कितने बचे हैं? अयाज और माही आप दोनों डस्टिंग और शीशे क्लीन करेंगे, ठीक है। आपके साथ एक लड़का है, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम वो अपने वो ले वो कर, ठीक है। अब आप हमारे पास रह गए 3, 4, 5 नहीं होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा होगा, 6 लोग हो रह गए। मैंने ये 6 लोग ज्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, रूम्स भी हैं,
अच्छा अब सफाई के लिए मुझे लड़के भी चाहिए लड़की भी चाहिए, क्योंकि अगर रूम्स के जो चादरें वगैरह हैं वो तो हर बंदा खुद सेट करेगा, लेकिन लेकिन वहाँ पर भी शायद कारपेट है, मैंने भी गौर से देखा नहीं है, तो क्लीनिंग वगैरह होगी तो वो लेडीज़ ही जा सकती है, तो हम बाकी जो भी लोग सारे हैं, मैं भी आप लोगों को हाथ बटाऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जितना प्रॉब्लम्स आएंगी तो थोड़ा हाथ में वो हो जाएगा, तो आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर आ जाइए पूरा जो है इनडोर जो है सफाई के लिए, और मिलके कर लेंगे हम लोग, मिलके आप मिलके कर लीजिए, मैंने आपका बड़ा ग्रुप ग्रुप रखा है, अगर हम एक और चीज़ डाइनिंग टेबल आप बोल रहे हो, डाइनिंग टेबल की सफाई वाला एक्सरसाइज ओके, चलो एक काम करते हैं, आपको आपको एक ड्यूटी दे देता हूँ, आप जो है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद टेबल की सारी चीज़ें जो है बर्तन वहाँ तक रखना और यहाँ की क्लीनिंग करना, ठीक है, सिर्फ आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है गाइस, सबकी ड्यूटीज हो गई हैं, खाना कौन सर्व, फ्लोर क्लीनिंग में कौन लड़की है, क्या क्या फ्लोर क्लीनिंग में कौन लड़की है, ईमान आप है ना, नहीं बाकी जो काम बच रहा है वो हम, हाँ तो उसमें ये क्योंकि लेडीज के कमरे में कोई लड़का नहीं जा सकता तो वहाँ का फ्लोर आप देख लेना, मैंने इनकी हेल्प की है, आप मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी वजह से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, गॉट दैट, लड़ाई हो रही तीनों मेरे सर पे खड़ी हुई है, ये तो ठीक नहीं लगी है, ऐसी कर रही है, अच्छा लगी हुई, अब ये आ गई, ये तुम्हारा बेग है, तुम जाके रोको ना नुमान, तुम्हारे अंडर है अभी चीजें, अगर हम लोग शुरू हुए ना तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा, यू स्टार्टेड, नोबडी सेड एनीथिंग टू यू, तीनों ने मुझे लगता है प्लानिंग की, सस्ती तुम लोग की छिछोरी अटेंशन सीकिंग है ना, दिस इज नॉट राइट, हम जितना आपको बचा रहे थे आप पास ही गए, मुझे अंदाजा हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता है, जब तुझे अंदाजा होता तो मना कर देता, नहीं मुझे तो पहले से पता था, मैं बोल रहा था जिसको बताएंगे वो ही बनेगा, या तो फिर ये गेम कर गया हमारे साथ, नहीं नहीं गेम असल गेम ये होगा, यार मुझे नहीं देना, मुझे नहीं देना, तू साथ है, तू साथ है, मैं कड़ा सेव, पावर तूने सेव, नहीं अच्छा ये सेव नहीं है, सेव नहीं है, सेव सिर्फ ये, इसलिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा और चाय भी नहीं पी, पानी पी रहा हूँ सिर्फ, आराम से वर्कआउट करेंगे थोड़ी देर में सोने से पहले, हम यहाँ से आए हैं, ओपन नहीं इतनी जल्दी नहीं हो सकती, अच्छा बताओ किस किस के दिल में एक्साइटमेंट आई लड़ाई का सुन के, किसका किस किस के दिल में एक्साइटमेंट आई लड़ाई का सुन के, नहीं एक्साइटमेंट तो नहीं आई है, जाहिर सी बात है किसके आपकी है ये हाय दिस गर्ल इज सो रूड, आई मीन मैंने मैंने बदतमीजी तो नहीं की, मैंने गलत नहीं कहा, बॉक्स आपका है, मैंने गलत, आपने भी बदतमीजी नहीं की, हां मैं गलत नहीं कह रही थी, बिकॉज़ वहां से ठीक है, माही माही चली गई, जोया चली गई, अब वहां पे महनूर है, मैं वहां पे लिटरली मैंने मैंने किस तरह सामान अपने कपड़े कैसे निकाले थे, मैंने बैग खोले बगैर ऐसे, यू नहीं है, हां बिल्कुल जगह नहीं है, जगह नहीं है, पर वो साइमन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, शी हैज टेकन अप सो मच स्पेस इन दैट रूम, तक के वहां से गुजरना भी इतना मुश्किल है, और मैंने उनको कहा है कि आप यहां पे बैठी थी, शी वाज लाइक आई कैन नॉट फोकस विद यू, मतलब कि अपने मेरे साथ तुम डिस्कस करी जा रही हो, तो व्हाट इज शी फोकसिंग ऑन, क्या क्या पक रहा है वहां पे, आई डोंट नो, लीव इट फर्स्ट डे, तो अभी वो मतलब हमें कह रही थी कि वी नीड टू चिल, वी वर लाइक मतलब यू नीड टू चिल, मतलब आप कैसे बात कर, हां हाँ मैंने भी कहा हमारे पहले दिन की वो शुरू हो गई थोड़ी सी, यार मैं आप लोग की हेल्प कर रही थी पहले, यहाँ पे खड़े हो गए, मैंने मैंने इतनी हेल्प की है, आप मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी वजह से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यू गॉट दैट, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, आगा नॉट डिस्टर्ब, टू नॉट डिस्टर्ब, हाउ डेयर यू, यार तुम जाके रोको ना नुमान, तुम्हारे अंडर है अभी चीजें, तो आवाज तो दे दो, ओ भाई हाथ मुझे तो वाकई लग रहा है कि कोई, यार नुमान किसी को तो बोलना पड़ेगा ना,
बेबी बेबी यू हैव सीरियस प्रॉब्लम आई गेस ओके मैंने कहा साइमन लोग महिला और लोग चले गए तीनों मेरे सर पे खड़ी हुई है ये तो ठीक नहीं है ऐसी कर रही है अच्छा लगी हुई अब ये आ गई ये तुम्हारा बैग है ये तुम्हारा बैग है अरे व्हाट इज दिस मैंने कहा ये दरवाजे मैंने कहा ये बॉक्स आपका है अच्छा लड़ाई ना कुछ है मुझे इग्नोर कर दिया मैंने आपको कहा कि आई एम डूइंग माय वर्क गिव मी 5 मिनट डू नॉट डिस्टर्ब मी लेट मी फोकस ऑन माय थिंग आई विल लीव यू फोकस ऑन योर थिंग नो यू डिड व्हाट यू वांटेड ओके यू डिड व्हाट यू वांटेड व्हाट डिड आई डू तुमने कहा अपना बैग कैसे खोल के लास्ट में ये देख यार मैं पहले आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आधा घंटा खड़ी हुई आपका बैग बंद किया इनका बैग बंद किया तीनों मेरे ऊपर जैसे खड़े होके बोल रही है जैसे मैंने इनके साथ पता नहीं क्या कर लिया तुम उठ ही नहीं रही हो अरे यू गाइस आर टेलिंग मी दिस व्हाट शुड आई डू और नॉट प्रॉब्लम ये नहीं है वो हम तीनों पे एकदम से चढ़ कर आई मैंने कहा सैम ये बॉक्स आपको गए तीन दफा मैंने बोला मैंने कहा सैम ये बॉक्स आपको इन्होंने इग्नोर किया मैंने कहा आप इग्नोर क्यों कर रही हो एकदम से वो मेरे को चीखने लगती है तो यहां पर तीन लोग यहां से चले गए आप अभी तक बैठे तीनों मेरे सर पे खड़े हो के मुझे जज कर रहे हैं यू गाइस आर नॉट आस्किंग मैं कितनी देर पहले मैंने बैग खोला इनको लगता है कि मैं पिछले दो घंटे से अकेली साइमा बलोची तक खड़ी हुई थी और ये सारे बैग खोली हुई निकल ही नहीं रही साइमा के साथ उसका स्क्वाड भी था हम दो लोग भी थे हम तीन थे कुछ ना बस होगी ना खत्म अब चल हम तेरी हेल्प करता क्या चाहिए यू आप प्लीज एक रूल बना दें कि उसके अंदर सिर्फ तीन लोग अलाउड हैं उनको 10 मिनट अलाउड है उसके बाद दे नीड टू कम आउट क्योंकि ये लोग आधे आधे होके आ रहे हैं चलो अगले को टाइम मिल जाए ना जब से उनके होंगे जगह पर प्रॉब्लम ये भी नहीं है वो चढ़ चढ़ कर आ रही है ना किसी मैंने कहा पता नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा बहुत बहुत फ्रेंडली तरीके से बोला गया बाद में डिस्कशन कर लें जो भी प्रॉब्लम अभी बस साइड में भी जरूरत ही नहीं है अभी आप लोग जल्दी चेंज कर लें साइड में जरूरत ही नहीं कर लेते आप लोग चेंज कर लें आप जाके मुंह धो के आए आप लोग जाइए कर लीजिए मतलब वो टाइट नहीं आगे बैठो मैं देखती हूं लेट मी हेल्प यू ना इजी हो के करो मुझे 5 मिनट दो मैं सुबह इतना टाइम नहीं लगाऊंगी मुझे सिर्फ मेरी चीजें निकालने दो अच्छा मैंने पहले तीन लोगों की हेल्प की है सबके बैग खुलवाए बैग बंद करवाए मैं उसी वक्त बैठी हूँ तीनों मैडम आके मेरे सर पर खड़ी हो गई हैं लगी हुई अंग्रेजी में व्हाट इज दिस बिहेवियर अच्छा मैं 6 दफा बोला गिव मी 5 मिनट्स लेट मी डू माय थिंग अगर आप लोग मुझसे बातें करते रहोगे मैं अपनी चीजें कैसे निकालूंगी मुझे अपने नाइट क्रीम वही सारी चीजें निकालनी हाँ. मुझे नहीं 2 मिनट दो मुझे 2 मिनट दो नहीं लगी हुई व्हाट आर यू डूइंग व्हाई आर यू डूइंग अरे व्हाट इज दिस हमारा यही काम रह गया दंगे करा रीजन क्या बने पता नहीं कुछ नहीं पता अभी आएंगे तो पता दानिया रीजन क्या बनी क्या हुआ क्या मां मुझे भी नहीं पता हम तो सुलह सफाई की है कोई हो गया इशू लेकिन इतना एकदम नहीं वजह कोई भी नहीं है सबका प्रॉब्लम ये है कि जो भी है फर्स्ट टू एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग ना सो वी नीड टू ट्राई टू बी क्विक ओके मिस साइमा अगर हम लोग शुरू हुए ना तो फिर आपसे हम तैयार होगी आ रहे हैं हमारी दफा तीनों ने मुझे लगता है प्लानिंग की सस्ती तुम लोग की छिचोरी अटेंशन सीखेंगे ना दिस इज नॉट राइट वर्ड पर इसको क्या गाता है मुझे प्लीज बता दो मुझे फिर अभी देखो कह रही है डोंट डू दिस यू स्टार्टेड ना देन लेट मी फिनिश इट क्या कह रही थी इनको जाके बोलेंगे कि 10 मिनट से ज्यादा कोई अंदर नहीं हो खुद तो क्यों मैं 20 मिनट से बैठी हुई हूँ लड़ाई को 20 मिनट हो चुके हैं ठीक है Why are you doing this? भाई एक इंसान को टाइम दो ठीक है खत्म अभी मैं भी जाऊंगा मैं दोबारा जाऊंगी मैं उसको बोलूंगा बैग बंद करो तुम्हें 10 मिनट हो गए
अब लड़ाई को तो भाई तो मतलब क्या तुम अंग्रेजी में बात करोगे तो आपकी बात सही है। अजीब है जो बंदा अंदर है उसको पहले अपना काम करने सर पे खड़ी नहीं। अच्छा सिर्फ मेरा बैग दिख रहा है, अगली के दो दो बैग खुले में वो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि प्री प्लानिंग की है। मुझे लगता है लेटेस्ट समथिंग। अच्छा उनको ये लग रहा है कि मैं पिछले एक घंटे से अपना बैग खोल रही हूं। बताना हमने भी खोल एग्जैक्टली आई वाज लाइक मैं आप लोगों की हेल्प कर रही थी। मैं आई जस्ट ओपन माय बैग। मैं जाके बताती हूं कि हमारे दो के बैग खुले थे, उसने लास्ट में अपना बैग खोला। बस वो शाम में ना आई थी भाई। साइमा कह रही है कि अंदर पहले हमारे बैग खुले हुए थे जो कि खुले हुए थे भाई। मैं उधर खुद नहीं थी। देखो पहले साइमा जब तुम लोगों को नजर आई है ना, वो पहले दो पैक खुले थे, जोया का खुला हुआ था, फिर मेरा खुला हुआ था। जब हमारे पैक हो गए क्योंकि जगह वहाँ है नहीं। मैंने एक से ज्यादा बैग की तारीफ की है, मैंने खुद की है। बट वो बेचारी का मसला ये, वो भी गलत नहीं। वो बेचारी कह रही है सबसे आखिर में मेरा बैग खुला, जो कि मैंने उठाना था उसको। हाँ मैंने मेरा बैग उसके पीछे था, मैंने कहा ये बॉक्स आपका है, मैंने अपना बैग निकालना है। थ्री टाइम्स उन्होंने मुझे इग्नोर किया, वहाँ से फिर जो शुरू हुई है चीखना चिल्लाना। बिल्कुल कोई मतलब यार आप किसी को ऐसे बोलोगे ना वो सरगाजम ही समझेगा। आई एम श्योर तुम्हारी नियत नहीं होगी, लेकिन मैं बोलूंगी यार बहुत टाइम लगा रही है वो, तो मैं तुम बहुत टाइम ले रही हो तो आगे के लिए वेट कर रही थी। उसने बहुत तमीज से पूछा, मैं बहुत तमीज से बात करती क्योंकि मुझे उसके अलावा बात करनी नहीं आती। पर वो ऐसे लगता है तैयार बैठी हुई थी बस। हां मतलब उसको ये था कि उसको टारगेट कर दिया गया। मैं लिटरली अंदर थी जब शोर शराबा, मैं कोई बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व कि भाई चलो फ्लाइंग किस दो उसको, तुम उसको फ्लाइंग किस दो, दोस्ती करो। नहीं करनी दोस्ती, मैंने कुछ किया ही नहीं है। दोस्ती कभी हुई ही नहीं है, दोस्ती क्यों करेंगे भाई। दोस्ती के पहले तो काबिल बने फिर दोस्ती करें। Yeah, but we were rude to her. हमने तमीज से बात की थी, फिर वहाँ से वो एकदम से तुम तीनों मुझे अटैक कर रही हो। हाँ, क्या मतलब है ब्रो आप? She has a serious problem. Yeah, she does. She's not normal. वो मेरा बैग ले गए, वो कह रहे वो सही करके देंगे। थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया है। हाँ, not normal. हाँ हाँ वो तो सुबह से not normal है। क्या कर रही है? अगर हम लोग इस तरह से आए, बिकॉज मुझे समझ आ गई थी एनर्जी, अगर हम लोग तरीके से आए तो ब्रो डोंट अजीब। मैं उससे बहुत प्यार से बोला है, मतलब ये कोई सार्केज्म नहीं होती, ये कोई किसी पे वो अटैक करना नहीं होता। जो मैंने उसे कहा साइमा तुमने बहुत टाइम बात की, कह रही थी कि नहीं ऐसे सार्केज्म होता है, मैं साइड नहीं ले रही हूं। मैंने कहा पर हमने कुछ बदतमीजी, देखो वी वर स्वीट टू हर, वी वर लाइक नाइसली सेइंग कि यार आप प्लीज जल्दी कर लें। वी वर स्वीट टू उनसे, मतलब मैं गलत बोल रही हूं कि टाइम लगा, मतलब तुम एक्सेप्ट कर लो। हां मैं आई हैव बीन हियर। और ये अच्छा अच्छी बात है कि अगर हम लोग 10 मिनट्स ईट रखें, चलो 15। सुबह कितने बजे जगाते हैं? ओके या आ जाओ नीचे बैठो। आई थिंक नो, इधर आ गए शायद। आई डू सिट, आई डू मेडिटेशन। इधर ज्यादा पता है, बड़ा मजा आता है। आई डू मेडिटेशन, हां बस लो ब्रीदिंग योगा, आई नो, आराम से चिल करो, कोई बात यार। आई एम चिल बट इट्स नॉट दैट आई एम गूंगी एंड ऑल, आई हैव टू स्पीक आल्सो। अगर आप रात में लेट सो तो मैं क्या, कोई अलग से हूं, मैं अलग से पीस हूं। तुम बड़ा प्यारा पीस हो, क्या हो गया? इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास आके बैठो, पॉजिटिव एनर्जी लो।
I was helping out everybody. मैं सबकी हेल्प कर रही थी, किसी का बैग उठा रही थी, किसी का बैग बंद कर रही थी. I'm telling you what happened. Okay. इतने में ये लोग सारी चीजें कर रहे हैं. I've just opened my bag कि मैं सब अपनी सारी चीजें निकालूं ताकि सुबह इतना टाइम ना लगाऊं अभी से. मैंने ऑलरेडी सारा पैक किया, बस निकाल के रखना. She just came suddenly. Two people are already there. उनके दो दो बैग खुले हुए हैं. एक ही खुला हुआ, एक ने ऑलरेडी बंद कर दिया. Give me 2 minutes, मैं फोकस करके अपनी चीजें निकालूं. 2 मिनट, 2, हाँ मैं बंद करके साइड पे चली जाती. तीनों शुरू हो गए. ये तुम्हारा बैग है, वो कह रही है हाँ ऐसा तो नहीं करना चाहिए अगले साल. दिस इज इनसेन. एम आई नॉट ह्यूमन? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. आपका बैग मैंने बंद किया जी. हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. कोई नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड आई डिड कि मैंने अच्छा सामा कोई नहीं अपना बैग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या चल मिसअंडरस्टैंडिंग इट समथिंग. लेकिन उसका पॉइंट भी तो सुनना चाहिए. मैं अपना पॉइंट भी तो बताऊं ना कि तीन लोग मेरे पे अगर चढ़ गए हैं तो मैं अपनी भी तो वजह बताऊं कि मैं बोला वजह मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो. दिस इज द रीजन दैट आई हैव जस्ट ओपन माय बैग. आई वाज हेल्पिंग यू आउट गाइस. ओके, ऐसे ही था ना ये. कोई मैंने कोई हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे. मैं खुद एंड में जाके मैंने नोबडी हेल्प मी. मैंने अपना मैं खुद उठाया, खुद ही रखा. अब वो मैडम ये चाह रही थी कि मेरा जो एक कार्टन साइड पे पड़ा हुआ है वो मैं उठाऊं. और अगर वो तमीज से बोलती तो मैं ये सारी चीजें कर भी लेती द वे आई हेल्प यू ऑल ऑफ यू. ओके, मैंने अपना बैग खुद उठाया, खुद रखा है. आप इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, आप बैग साइड पे करें. यहाँ पे आपके कोई नौकर नहीं आने वाले. आप अपने हाथ से साइड पे करें, आप अपना बैग निकालें. ठीक बात, दैट्स इनफ. ओके, द वे वी ऑल ऑफ डिड, खुद उठाया. लेकिन हाँ किसी को हेल्प चाहिए थी तो वी डिड. ओके, दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज समथिंग एल्स. बट यू कैन नॉट जस्ट कम एंड सी टू मी दैट उठ जाए ना, उठ जाए ना. क्यों उठो भाई? आई हैव द इक्वल राइट्स. ओके, क्यों उठो? पेशेंस होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, सब में. जैसे मैंने की आप लोगों के लिए, मैं आधा घंटा के लिए खड़ी रही उधर. मैंने भी वेट किया एंड तक. मैंने भी वेट किया सबसे एंड में. अच्छी बात है, करना चाहिए. हमने तो हमें तो पता यार हम क्यों लड़े. समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग. पता नहीं था ये ऑप्शन है यार. किस-किस को बताऊं? किस-किस को बताऊं? बना के रख लिया. अच्छा नहीं नहीं देखो, 10 मिनट का मेडिटेशन भी करके आ गई हूं. हमें नहीं पता था ना, हम पागलों की तरह एक दूसरे के बैगों को आगे पीछे कर रहे हैं. हम खुद ही आगे हम पड़े, हमें उसे निकाल लेकर हां ना तीन दफा मैंने उसका साइड भी किया. पता नहीं जिसका भी बैग पड़ा हुआ है. नहीं मुझे मुझे हमने हम तीनों ने एक दूसरे को मुझे मुझे स्पेशली इन दोनों ने बहुत हेल्प की अंदर. हां आपके अंदर पेशेंस नहीं है. नाम भी नहीं पता मुझे. रायता फैलिए मिर्चों वाला मानी. रायता फैलिए मिर्चों वाला. मैंने कहा कि जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, मैं डू माय थिंग, आई एम गेटिंग अप. एंड आई एम नॉट द वन के मैं ही बैठी हुई हूँ पिछले आधे घंटे से. मैंने अभी अभी जस्ट ओपन माय बैग. नहीं मुझे इनके मिजाज को बिल्कुल नहीं समझना. इन्हें सामने भी ना आए. नो 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 नॉट यू. आप ही को कह रही है मानी भाई. मिजाज को समझे कि उसके साथ आप सर्वाइव कर सके. मानी भाई आप क्यों कह रही है? मुझे कुछ शादी करनी है. अपने बेड पे रहे, अपने कमरे में रहे, अपना बाथरूम यूज करे, जो उन्होंने करना है वो करे. मेरे सामने ना इस तरह के लोग. मजे की बात है, कमरा भी आपका. मेरी बात सुन, एक मिनट एक मिनट. देखिए देखिए, घर भी नहीं बर्दाश्त सही बर्दाश्त भी करूंगी, हेल्प भी करूंगी, गलत नहीं बर्दाश्त करूंगी. गलत बर्दाश्त नहीं. गलत तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता. किसी ने नहीं रहना, ये दुनिया ही अपनी नहीं है. ठीक है, एक बात यहाँ सही बात नहीं आता ना. ये सही बोल रहे हैं, गलत बात को आए नहीं हम. गलत को आपने थोड़ा सा हाइब्रिड कर दिया तो फिर वही जीत है ना. डू गई अगर आप गलत बात में रिएक्ट कराए तो फिर वो गेम गलत बात ही बर्दाश्त करना. ये कह रहा हूँ जो बात हुई वो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है बस. बात लेकिन वो बात वो भी कर रही है. अच्छा नहीं, वो थकी हुई थी. मैंने उस पार्टी को भी समझाया जाके. मैंने कहा यार देखो तुम लोग दोस्ती करो ना, वो कुछ अभी आज का दिन नहीं, अभी खैर है. हाँ लेकिन आई वांटेड यू टू से यू नो टेल एवरीबॉडी के क्या मसला हो. आप सबको पता लगा. आई टोल्ड यू दैट आई वाज ऑलरेडी हेल्पिंग. अब आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना. रिलैक्स हो, रिलैक्स रिलैक्स. बस ये हमारी रिक्वेस्ट. थैंक यू जी, थैंक यू. माशाल्लाह माशाल्लाह, मुकुन्ना आया लग. हां बारबेक्यू यार, ये जो आता है ये तो हम रख सकते हैं ना, फ्रीज कर लेंगे बाद के लिए. हां
यार जब खाना आ रहा होता है ना चेयर आगे पीछे कर दो, जगह ही नहीं मिलती। ये खोलो भाई, ये भारी है। हां एक हाथ हटा दो ना ताकि गर्म भी है, गर्म भी यार भारी भी है। यार एक रिक्वेस्ट है, पानी की बॉटल नीचे रखो। इसकी गर्म भी है भारी भी है, गर्म भी है भारी भी है। ये कुर्सी 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 एक दे दे लड़की। एक तो स्पॉनर नहीं होना चाहिए, और भी है भाई। भाई बात सुनो, दो दो प्लेटें एक्स्ट्रा निकालो, उधर साफ करनी। और भी है प्लेट। एक सेकंड देखो, अभी ये कहीं लाइट नहीं ऑन होता, हल्की होती है बहुत, लेकिन है। हाँ मेरे ख्याल से है। हाँ ऐसे हल्का कर रही हूँ, देखो। हाँ अब गर्म हो गया। बेटा आप लोग जो हीरोइन ही बनी ना, खाना लग गया है। मुझे तो हीरोइन बनने का मौका नहीं। आके खाना खाओ, छोड़ दे इसको, आके खाना खा लो। मुझे भूख। अच्छा फिर ठीक है, मेरा काम तो पहले सबसे पहले मेरा काम था पूछना। भूख लगेगी ना बस, ठीक है ओके। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सॉरी आई कांट हर्ट माई सेल्फ, खा लेती हूँ। तो उस वक्त कह रही थी कि जब ये ब्रेकफास्ट बना रहे होंगे तो मैं लोगों को बना जा के दे दूँगी, हाँ सर्व कर दूँगी। तो फिर उसके बाद उससे कहा था कि मैं क्लियर भी कर दूँगी किसी टाइम पे ना, क्लियर आउट भी कर दूँगी। तो अभी उस वक्त पहले सबसे पहले शुरू हुई थी दानिया, जोया, अरसलान और पता नहीं एक लड़का और भी था जो काम कर रहा था। उसके बाद मैंने भी हेल्प कराई थी, ठीक है। और ये वहाँ पर नहीं थे, और अभी भी मतलब कि सब कुछ सर्व हुआ, she was not there. अब सबको छुटके जा रहा है, she's not there. She just sat down to eat. Now she. हाँ. और जब खाने की बात हुई थी ना, she did not want to serve. फिर बाद में कह रही थी कि breakfast की duty इस लड़की को दी है, जो कह रही थी उसको खाना बनाना नहीं आता है, सिर्फ breakfast आता है, जले हुए अंडे नाश्ते में देगी। देखो उससे खाता है, कब खाता है, इसी नहीं खाता yeah, अभी खाता नहीं जब तुम उठ के गई। यार ये तो तुमने मुझे पहले बताना था, कितना मज़ा आता है मुझे, बिकॉज आई रियली इन्जॉय जब लोग इस तरह की पेटी चीज़ें हरकतें करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने actually has issues, तो लगता है इसको वाकई से इशू है। एकदम से ये फ्लिप हुई है, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा था, हमने बदतमीजी तो नहीं की थी। बाद में चलिए जब यहाँ पे ग्लासेस लगा के बैठी हुई थी, मुझे तभी समझ आ गई थी कि मतलब शी इज नॉट, मतलब शी इज नॉट, मतलब आई डोंट नो हेयर और व्हाट, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी उस पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन और ये सबसे अलग ही कोई चीज है, और उसमें मतलब तुम देखो, मैं अभी भी ये बात कहने को तैयार हूँ कि मैंने इसको बहुत आराम से ये बोला था। और अगर एक बंदा इतना आपको कुछ भी वो कहे बगैर, आप कह रहे हो साइमा, तो पता नहीं इसका नाम मुझे क्यों अभी आ रहा है, साइमा आपने बहुत टाइम लगाया, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं डायरेक्ट हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें कोई वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे ऐसी बात नहीं कर रही कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ा कि मैं तुम्हें पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब बहुत डायरेक्ट बोला, तुम्हारे मुँह बोला कि तुम टाइम ले। और मैंने तो इसको ये भी नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ कहा ये बॉक्स आपका है। और मुझे नहीं, और मानू ने तो उसको कुछ नहीं बोला था, कह रही इन तीनों ने इसको अटैक किया है। हां मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अचानक से वो क्या हुआ था कि मतलब आई नीड टू फोकस, किस चीज पे फोकस करना, आई डोंट अंडरस्टैंड। कपड़े पहनने हमने सर, कपड़े निकालो, जस्ट लीव। शी इज रूड। और उसके बाद बाहर निकल के भी उसने सबको सारी वो स्टोरी सुनाई, मैं तो हंस रही थी, मतलब आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल, अडैप्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेट बिग ब्रदर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बेनेजे राइट्स।